हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक्सपायरी के बारे में। छोटा सा वीडियो रखने का ट्राई करता हूँ, एंड तक देखने का जरूर ट्राई करना। लाइक वगैरह आप लोग कर ही देते हो। एंड गाइस, थोड़े दिनों से मेरी ना तबीयत ख़राब है। आई थिंक आज छठा या सातवा दिन है। तो पिछले 6 या 7 दिनों में आई थिंक 2 दिन वीडियो नहीं डल पाई है। तो उसके पीछे एक रीज़न ये भी है, हेल्थ, और एक और रीज़न ये है कि मार्केट जो है, जैसे आज मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो कभी मार्केट ऐसे सिचुएशन में होता है, ओवरऑल एक रेंज बाउंड मोड में है। तो वही सेम चीज मैं आपको रोज रोज बताऊंगा, सेम लेवल्स आपको रोज रोज बताऊंगा। तो उसमें आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को भी मजा नहीं आएगा। तो इसलिए उस दिन मैं या तो आपको शाम को ट्विटर पर अपने एनालिसिस डाल देता हूँ, टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, या वही पिछले दिन के लेवल्स होते हैं वो अंडरस्टूड सी ही बात होती है। मैं रोज आप सेम चीज ही आपको बताऊं तो उसके अंदर कोई ज्यादा अपना ऐसा फन आएगा नहीं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को हम लोग जल्दी से खत्म कर लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइज हम लोग को यहाँ पे एक बुल फ्लैग जैसा बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे ईएमए जो है ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, एंड जो सबसे ऊपर वाला ईएमए ये भी टूट जाएगा। तो कल अगर हमको कैसे भी करके ये 40 के ऊपर मिलता है तो आई थिंक इट विल बी अ गुड बाय। इसके ऊपर हम लोग को ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेता हुआ देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली नीचे को अगर आज का जो लो बना हुआ है, यही जो लेवल मैंने आपको सुबह टेलीग्राम में डाला था, अगर यही लेवल हमको कल टूटता हुआ देखने को मिला, 39,840 का लेवल है, तो इसके नीचे मैं जो मैं बेरिश हो जाऊंगा। आज का पूरा दिन साइडवेज निकल गया, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस थी 840 टूटेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट फिर वही वहीं से एक बाउंस आया, स्टॉप हंट हुआ, वो आप लोगों को पता ही आज की पूरी स्टोरी। तो ये 2 लेवल्स है मेरी तरफ से। आई थिंक मार्केट जो है कल एक बुलिश ब्रेकआउट लेना चाहिए, जिस हिसाब से अभी तक मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है। आज के दिन देखो वॉल्यूम भी मिसिंग ही था पूरा, एंड कल हम लोगों को बस इस ब्रेकआउट लेवल का वेट करना है। ऊपर के टारगेट होंगे 40,500, 40,600। इसके बाद गाइस बात कर रहे थे हम लोग निफ्टी की छोटी सी। निफ्टी के अंदर भी सेम चीज हुई है, बट अगर आप देखो तो निफ्टी ने एक एक्चुअली ब्रेकआउट लिया था इस वीकली लेवल से, और वापस उसके नीचे कैंडल क्लोज की, और उस कैंडल क्लोज के बाद कंटिन्यूअसली उसी के नीचे इसने ट्रेड किया है। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली थोड़ी सी बेयरिश होती है मार्केट्स के लिए। नेवरदलेस कल अगर वापस से इस लेवल को हम लोगों ने रिकैप्चर कर लिया, जो कि S17155, इस लेवल के ऊपर हम लोग बुलिश हो जाएंगे। बट निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है मेरे को देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि निफ्टी जो है वो बुलिश हो पाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमको 17,110 टूटता हुआ देखने को मिल गया तो इस लेवल के नीचे हम लोग बेरिश हो जाएंगे। आज बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज थी अगर आप लोगों को याद हो थ्रू आउट द मार्केट। एंड अभी तक आप देख लो पिछले 3 दिन में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही देखने को मिला है थ्रू आउट साइडवेज। कल हम लोग को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था एंड में, परसों एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था एंड में। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को एक खासा मूवमेंट 3 दिनों में तो अब तक नहीं देखने को मिला है। होपफुली कल का दिन जो है वो बेटर होगा एंड इम्प्रूव्ड होगा, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट। 3 मिनट का वीडियो है जो मेरे को लेवल्स बताने थे। बायस मेरी तरफ से, अगर ऊपर का मार्केट हुआ तो मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, नीचे का हुआ तो मैं निफ्टी ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। लेवल्स आपको दे दिए, टारगेट्स आप लोगों को दे दिए, बाकी जो कुछ भी होगा मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर ही दूंगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।